माई जान जी मा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट पार्क व्यू सिटी लाहौर और इस वीडियो में जो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा पार्क व्यू सिटी के हवाले से नंबर वन के पार्क व्यू सिटी की लोकेशन क्या है क्योंकि लोकेशन ही सब कुछ होती है देर इज़ अ इंपॉर्टेंट कोटेशन अबाउट लोकेशन कि देर आर थ्री थिंग्स इन रियल स्टेट विज रियली मैटर्स नंबर वन लोकेशन नंबर टू लोकेशन एंड नंबर थ्री लोकेशन तो पार्क व्यू सिटी की जो लोकेशन है वो उसके बारे से एक्सप्लेन करूंगा नंबर टू कि पार्क व्यू सिटी को ओन कौन करता है डेवलप कौन कर रहा है और इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है नंबर थ्री कि इस वक्त पार्क व्यू सिटी लाहौर में डेवलपमेंट प्लस लिविंग का स्टेटस आप वीडियो की मदद से काफ़ी अब तक आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी कि वहाँ पे इस वक्त ऑन ग्राउंड लिविंग का स्टेटस क्या है क्योंकि पार्क सिटी एक फुली डेवलप्ड सोसाइटी है पार्क सिटी लाहौर और इसमें इस वक्त लिविंग कम्प्लीटली तमाम जितने ब्लॉक्स हैं वहाँ पे लिविंग मौजूद है लिविंग मौजूद से मुराद के वहाँ पर तमाम जितनी फैसिलिटीज़ हैं पानी बिजली गैस सीवरेज ऑप्टिकल फाइबर और जितनी नियर बाई अम्यूनिटीज़ होती हैं मॉस्क स्कूल मेन रोड्स और जितनी शॉपिंग और जितनी चीज़ें इस तरह रिलेटेड होती हैं तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं सबसे पहले बात करते हैं जी लोकेशन के हवाले से कि पार्किू सिटी की लोकेशन कहाँ लोकेट करती है सिटी लोकेट करता है जी मेन मुल्तान रोड पे जिसे आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑन करता है जीटी रोड भी कह लें यही रोड आगे कनेक्ट करता है साहिवाल उखाड़ा कैम्बर मुल्तान सारे जितने सिटीज़ हैं उनको यही जी रोड आगे कनेक्ट करता है और इसकी अगर लेफ्ट साइड पर बात करें राइट साइड पर बात करें पार्क्यो सिटी की तो वहाँ पे ठोकर न्याज बेचते तकीबा टू तो पॉइंट किलोमीटर का डिस्टेंस का बनता है और अगर ई कॉलेज की बात करें डी एच तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर इसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साइड वो भी आपको मैं आगे मैप एक्सप्लेन करूँगा चारों साइड्स पे जो भी कम्यूनिटीज़ हैं जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑन ग्राउंड इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं और बात की जाए अगर जे रोड एन एच की और प्लस ये जो मुल्तान रोड एक ही रोड है बेसिकली तो इस रोड की अभी वर्थ पे काम हो रहा है इसको कारपेट किया जा रहा है दोबारा से और दोबारा से इसको रोड को ओपन किया जा रहा है पब्लिक रोड पे सोसाइटी होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो यही होता है कि उसको एक अथॉरिटी ऑन करती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हर आने वाले गुजरते दिन के साथ वहाँ पर जब रोड की मेनटेनेंस का काम होता है वो रेगुलर जारी रहता है वो कभी भी रुकता नहीं है तो ये वजह है कि पार्क सिटी की लाहौर की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइम बनती है और जो सेंट्रल लाहौर है जो कनाल रोड है उससे तकरीबन इसका थ्री पॉइंट किलोमीटर का डिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लाहौर के सेंटर से बिल्कुल कनेक्टेड है जैसे आप इस्लाबाद में बात करें जैसे गुलबर्ग इस्लामाबाद है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है जहाँ से दोनों का डिस्टेंस इक्वली फाइव मिनट्स की ड्राइव या टेन मिनट्स की ड्राइव बन जाता है सेम लाहौर में पार्क सिटी लाहौर है उसकी लोकेशन इसी तरह प्राइम है कि ये कनेक्टिविटी इसकी फ्रॉम द सेंटर सिटी इज़ रियली इजी और उसको मेन पब्लिक रोड एक एक्सेस देता है ये वीडियो बेसिकली आज की मेन बलेवर्ड प्लस जो उसकी स्टेटस है डेवलपमेंट का उसके हवाले से है लेकिन सबसे पहले को मैं गूगल अर्थ लोकेशन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ें अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने केनाल रोड मेन मुल्तान रोड डी एच एम ई ये चीज़ें पार्क सिटी से कितनी डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करती हैं इस वक्त मैं स्क्रीन पर गूगल सेटेलाइट इमेजे पार्क ऑफ सिटी की देख सकते हैं और पार्क ऑफ सिटी की लोकेशन जो है वो इस तरह लोकेट करती है कि ये मेन मुल्तान रोड है या मेन आप जी रोड कह लें नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ऑन करता है और इस एरिया से इसका डिस्टेंस जो बनता है वो मेन एम टू मोटरवे से वो मैं आपके सामने मेयर कर देता हूँ कि हाँ इसका टोटल डिस्टेंस कितना बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ये मेन गेट है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ये मेन गेट है जिसके सामने से अगर आप ठोकर न्याज बेग वाली साइड पर अगर डिस्टेंस का कवर करें तो टोटल डिस्टेंस जो बनता है जिसमें कहा टू पॉइंट सेवन किलोमीटर प्लस माइनस का तो डिस्टेंस है यहाँ पर ये तकरीबन 2.68 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है ठोकर न्यासबेग से जो एक एक, एक पब्लिक रोड है इसका पब्लिक रोड का एडवांटेज ये है कि इसकी मेंटेनेंस हमेशा सोसाइटी की चाहे ना चाहे लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मेंटेनेंस होती रहती है क्योंकि पब्लिक रोड है इस पर प्रॉपर एक टोल टैक्स पे करके कोई जो भी इंडिविजुअल यहाँ से गुजरता है पारक्यू सिटी वाले यहाँ पर टोल टैक्स पे नहीं करेंगे लेकिन वैसे इस रोड को जो यूज़ करते हैं मुल्तान रोड के लिए वो इस वह टोल टैक्स पे करते हैं तो डेफिनेटली एक पब्लिक रोड की मेंटेनेंस हमेशा जारी रहती है तो टू किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन न्यायाज बेग और यहीं से एम टू लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के लिए आपको निकल जाता है और अगर यहीं से आगे थोड़ा काउंट करें इसी डिस्टेंस को अगर एक्सटेंड करें तो ये आगे के कैनाल रोड ये कैनाल रोड स्टार्ट होगी है और उसका डिस्टेंस बंदा थ्री पॉइंट किलोमीटर का डिस्टेंस 3.49 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस केनाल रोड से केनाल रोड की बात इंपॉर्टेंट बात यह कि यह लाहौर के सेंटर से पास करती है जैसे इस्लामाबाद हाईवे डिवाइड करता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को सेम इसी तरह केनाल रोड जो है वो डिवाइड करती है लाहौर को दो बेसिकली लाहौर के सेंटर से गुज़रती है डिवाइड तो नहीं करती लेकिन लाहौर से सेंटर से गुज़रती है यही आगे जाके तमाम जितने मेन हब हैं कमर्शियल हब कह लें या जितने आप कह लें कि बिजनेस हब हैं लाहौर के उन सब को कनेक्टिविटी इसी कनाल रोड से मिलती है सेकेंडली जी टोकन आज भी एक से डिस्टेंस टू किलोमीटर का इसका बनता है अगर टाइम काउंट करें तो टू मिनट्स या डिपेंड्स ऑन ड्राइव या किस तरह ड्राइव करते हैं तो तीन किलोमीटर का डिस्टेंस जिस तरह आप तय कर सकते हैं टू पॉइंट सेवन किलोमीटर का वो आपकी अपनी चॉइस पे है नेक्स्ट इसके ऑपोजिट साइड पे डी एच ई है और इसका लेफ्ट साइड पे अगर बात करें तो ये रोड जाता है टुवर्ड्स बैरियर टाउन एंड बाकी जो सोसाइटी तरफ लोकेट करती हैं उस तरफ फ्यूचर में जो रिंग रोड है उसकी कनेक्टिविटी के बाद इसी पॉइंट पर कनेक्टिविटी हो रही है तो इस पॉइंट कनेक्टिविटी के बाद इसकी लोकेशन लाहौर में सबसे प्राइम बन जाएगी जैसे मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में कि देर आर थ्री थिंग्स इन रियल स्टेट विच रियली मैटर्स नंबर वन लोकेशन नंबर टू लोकेशन एंड नंबर थ्री लोकेशन तो ये आज की वीडियो जो बेसिकली लोकेशन के बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं ये है मेन बुलेवर्ड मेन एंट्रेंस रोड और ये मेन राउंड अबाउट है पे जिस जिसपे कमर्शियल एग्जिस्ट करता है और राइट साइड पर जो ब्लॉक है इसका नाम है टोपेस्ट ब्लॉक और लेफ्ट साइड पर जैसमिन एंड जेड ब्लॉक एंड रोज ब्लॉक ये वाले ब्लॉक्स जो हैं ये अभी ऑन ग्राउंड डिवेलप्ड और यहाँ पे तमाम ब्लॉक्स में लिविंग इस वक्त हो रही है और यहाँ पर जो नया ब्लॉक अप हो रहा है ओवरसीज ब्लॉक वो इस तरफ अप हो रहा है अभी उसकी एग्जैक्ट मैप या लोकेशन आउट नहीं हुई लेकिन मोस्ट प्रॉब्बली इसी साइड पे कहीं उस ब्लॉक को ऐड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे लैंड अभी ओपन है और खाली है बाकी जितने ब्लॉक्स हैं अभी मैं आपको ड्रोन की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेन बल्लेवेड पे बाकी जितने ब्लॉक्स हैं उनकी लोकेशन या उनकी डेवलपमेंट का स्टेटस इस वक्त क्या है अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज और इस वक्त अपने स्क्रीन पे जो मेन बलेवर्ड है पार्क सिटी का जो एंट्रेंस गेट है उसके साथ जो मेन एंट्रेंस रोड है उसकी फुटेज स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस रोड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक है जहाँ से मैंने ड्रोन फ्लाई किया था स्टार्ट में लेफ्ट साइड पर ब्लॉक है उसका नाम है जैसमिन ब्लॉक रोज ब्लॉक एंड जेड ब्लॉक जहाँ पे पाँच मल्ला और बाकी कटिंग्स के प्लाट अवेलेबल हैं और लेफ्ट साइड पर आपको एक जाम मस्जिद नज़र आ रही है इस तरह की तीन दो मस्जिदें मैंने देखी थी बट दो तीन मस्जिदें यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशनल है और यहाँ पे पार्किियों में जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे वो उनको उनसे फैसिलिटेट हो रहे हैं मेन बुलवर्ड के राइट साइड पे जो ब्लॉक है उसका नाम है टोवेस्ट ब्लॉक और आगे जाके राउंड अबाउट जो है वो कमर्शियल राउंड अबाउट है जहाँ पे कमर्शियल हब बन रहा है बना हुआ है इनफैक्ट बन नहीं रहा और यही रेल रोड आगे जाके लीड करता है टुवर्ड्स ओवरसीज़ ब्लॉक जिसकी बुकिंग अभी लॉन्च की गई है जिसमें जो प्राइस हैं वो अभी आप स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं कि पाँच मल्ले का जो प्लाट है उसकी प्राइस है पैंतालीस लाख रुपये सिर्फ ट्वेंटी से आप बुकिंग करवा के अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं मेन लाहौर के अगर रेजिडेंट हैं ये लाहौर में आपकी जॉब है और जॉब रिलेटेड नियर टू है अगर आपकी कैनाल रोड से या मुल्तान रोड से या आप रायबंध रोड कह लें जितनी कनेक्टिविटी पॉइंट्स हैं या आप जो मेन लाहौर का जो कनेक्टिविटी पॉइंट बनता है उससे ये उस रोड से लिंक करता है तो पब्लिक रोड्स पे आपको कहीं भी एक्सेस लेने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड है इसलिए इसकी इजी एक्सेस पॉसिबल है फ्रॉम द मेन ऑल द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सिटी तो ये वजह है कि पार्क सिटी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फिजिबिलिटी है कि आप इंस्टॉलमेंट और प्लाट लेके अपने प्लाट को बाद में इसी इंस्टॉलमेंट पीरियड के दौरान मोस्ट प्रॉब्लली क्योंकि डिवेलप पार्ट है और सारा लेवल पार्ट है सिर्फ स्ट्रीट्स बननी है और बाकी जो अम्यूनिटीज़ हैं जिसमें अंडरग्राउंड सीवरेज गैस ऑप्टिकल फाइबर और बाकी जो अम्यूनिटीज़ हैं उनका इंस्टॉल होना है तो उनके लिए सोसाइटी को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है तो ये वजह है कि अगर आप जॉब करते हैं लाहौर में यही आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं तो एक पब्लिक रोड पे एग्जिस्ट प्रॉपर्टी है तो आपके लिए काफ़ी ज्यादा फिजिबिलिटी इसकी अच्छी बनती है कि क्योंकि यहाँ पे डिमांड में कमी कभी भी नहीं आएगी क्योंकि एक सोसाइटी जो डेवलप्ड हो और अच्छे खास बेहतरीन लेवल की स्टैंडर्ड की सोसाइटी डेवलप्ड हो तो उसकी डिमांड में कमी नहीं आती सेकेंडली इसके जो डेवलपर्स हैं उनकी पाकिस्तान में एक अच्छा विजन है अच्छा उनका एक ग्रुप है उनके विजन ग्रुप उनका नाम है लेकिन उनका विजन जो है काफ़ी अच्छा है क्योंकि पार्क सिटी इस्लामाद को देखें तो वो चूज़ किया कि जस्ट फॉर मोस्ट एलिवेटेड पॉइंट इस्लाबाद में जो लोकेट करता है उस पर और लाहौर में अगर देखा जाए तो इसको पार्क सिटी को ऐसी जगह डिजाइन किया गया है जहां से मोस्ट ईजीली पब्लिक एक्सेस अवेलेबल है यह वजह है कि पार्क सिटी में इस वक्त जितने प्लाट्स हैं तमाम के तमाम प्लाट्स डेवलप्ड हैं पोजेशनेबल हैं और तमाम प्लाट्स पर लोगों ने अपना पोजेशन अप्लाई करके घर बना रखे हैं तो यह आपको पूरी वीडियो थी बेसिकली यह समराइज करने के लिए थी कि पार्क सिटी की लोकेशन कहाँ पे है सेकेंड आने वाली वीडियो में इनशाला डिफरेंट ब्लॉक से वाले से उनका स्ट्रीट व्यू प्लस जो उनका एरियल व्यू है वो दिखा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हाँ इस वक्त पार्क सिटी में करंट स्टेटस क्या है लिविंग का और बाकी जो लोग रेजिडेंट्स यहां पर रह रहे हैं उनकी यहाँ पे लाइफ स्टाइल किस तरह से है जिस तरह आप मेन रोड देख सकते हैं इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि पार्क यू सिटी किस तरह की सोसाइटी होगी क्योंकि पार्क यू सिटी में आप जिस तरफ भी जाएँ आपको बहुत अच्छे शानदार किस्म के कारपोरेटेड रोड्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ये वजह है कि पार्क योर सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट आपकी सस्टेनेबल है और अच्छी लॉन्ग टर्म आप उनसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो सोज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको लाहौर पार्क्यू सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अदरवाइज डायरेक्ट कॉल करने के लिए प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव डबल नाइन डबल नाइन डबल एट वन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर कॉल करके तमाम मालूम हासिल कर सकते हैं रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़